रणजी ट्रॉफी के विनर और रेस्ट ऑफ इंडिया के बीच खेली जाने वाली ईरानी ट्रॉफी अब खत्म हो चुकी है और रेस्ट ऑफ इंडिया ने ये बाजी मार ली है। फाइनल मैच में रेस्ट ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश को हराकर ये कप अपने नाम कर लिया है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट अधिकतर में। मैं हूं आपके साथ चारू पारिक। ईरानी ट्रॉफी में रेस्ट ऑफ इंडिया ने इतिहास रच दिया और 30वीं बार ईरानी कप का खिताब जीत लिया है। रेस्ट ऑफ इंडिया ने फाइनल मैच में मध्य प्रदेश को 238 रनों से हरा दिया। फाइनल मुकाबले में रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम ने मध्य प्रदेश को जीतने के लिए 436 रनों का टारगेट दिया था, जिसके जवाब में मध्य प्रदेश की टीम दूसरी पारी में 200 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई और 198 रन पर ही पूरी टीम सिमट गई। और 238 रनों के बड़े मार्जिन के साथ रेस्ट ऑफ इंडिया ने ये खिताब जीत लिया और इस जीत के हीरो रहे यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने यहाँ पर धमाल मचा दिया। यशस्वी ने इस मैच में रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए पहली पारी में डबल सेंचुरी बनाई और दूसरी पारी में सेंचुरी लगा दी। इन लाजवाब पारियों के लिए उनको प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। इसके पहले रेस्ट ऑफ इंडिया ने पहली पारी में 484 रन बनाए थे और यशस्वी जायसवाल यहाँ पर हाईएस्ट स्कोरर रहे। उन्होंने फर्स्ट इनिंग में 213 रनों की पारी खेली। इसके अलावा अभिमन्यु ईश्वरन ने पहली पारी में 154 रन बनाए और यश धूल ने 55 रनों का कंट्रीब्यूशन दिया। वहीं पहली पारी में मध्य प्रदेश के लिए आवेश खान ने अपनी बॉलिंग से कमाल किया और 4 विकेट्स निकाले। रेस्ट ऑफ इंडिया की पहली पारी के जवाब में मध्य प्रदेश की टीम ज्यादा लंबा नहीं टिक पाई और मात्र 294 रन ही बना पाई और इसी के साथ रेस्ट ऑफ इंडिया ने फर्स्ट इनिंग में ही 190 रनों की लीड ले ली थी और फिर सेकेंड इनिंग में रेस्ट ऑफ इंडिया ने 246 रन बनाए, जिसमें एक बार फिर से यशस्वी जायसवाल का सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। दूसरी पारी में यशस्वी ने शतक लगाया और 144 रन की पारी खेली, जिसके बाद अब एमपी की समस्याएं बढ़ चुकी थी। मध्य प्रदेश को यहां से जीत के लिए 436 रनों की जरूरत थी, लेकिन बहुत ही जल्द मध्य प्रदेश की टीम लड़खड़ा गई। दूसरी पारी में एमपी सिर्फ 198 रन ही बना पाई और रेस्ट ऑफ इंडिया एक बार फिर से ईरानी ट्रॉफी की विजेता बन गई। वहीं इसके साथ इस फाइनल मुकाबले में कई रिकॉर्ड्स भी बने, तो चलिए नजर डालते हैं इन रिकॉर्ड्स पर। यशस्वी जायसवाल ने इस मैच की पहली पारी में डबल सेंचुरी बनाई और दूसरी पारी में सेंचुरी लगा दी और इसी के साथ ये रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम कर लिया। पहली पारी में डबल सेंचुरी बनाने वाले और दूसरी पारी में सेंचुरी बनाने वाले यशस्वी पहले बल्लेबाज बन गए हैं। इसके अलावा यशस्वी जायसवाल और अभिमन्यु ईश्वरन के बीच में 371 रनों की रिकॉर्ड पार्टनरशिप हुई। ये पार्टनरशिप ईरानी कप के इतिहास की सबसे बड़ी पार्टनरशिप है। इसके पहले 1990 में रवि शास्त्री और प्रवीण आमरे की जोड़ी ने मिलकर के 327 रनों की पार्टनरशिप की थी। अब यशस्वी जायसवाल और अभिमन्यु ईश्वरन ने ये 33 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो जहां एक बार फिर से रेस्ट ऑफ इंडिया ने ये खिताब जीता है, वहीं कई रिकॉर्ड्स भी इस बार बनते और टूटते नजर आए हैं। लेकिन फिलहाल ईरानी कप जीतने पर आप रेस्ट ऑफ इंडिया को किस अंदाज में बधाई देना चाहेंगे, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए क्रिकेट अधिकतर और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।